दिन ये हमारा लोकल लैंग्वेज है और दिन हम अपने डीएम का दिया करते हैं तो हमें पांव पकड़ा चाहिए माले सब मिला चाहते तो हम लोग जन सुनवाई किसकी कर रहे हैं? कृपा करके शांति बनाए रखो। जन सुनवाई किसकी हो रही है? गोंडा मांगे और हमारा 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर ये आप डेट लिख लीजिए, पूरा प्रदेश न हिलेगा तो मुझे बताइएगा। छात्र जब जब उग्र हुए हैं तब तक उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है, तो प्रशासन हमें उस पे मजबूर ना। का बच्चा साबित कर रहे हैं, बताइए मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ, मुझे वो 2 साल का बच्चा बता रहे हैं, तो मेरे ज्ञापन पे उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक अटल जी की पंक्ति है कि कभी थे अकेले आज इतने हुए, और नहीं तब डरे तो भला क्या डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है, हम जो टकराएंगे वो मौत अपनी मरेंगे। हम सब छात्र हैं, आज शांत हैं, और कल जब उग्र होंगे तो जिला प्रशासन ऐसे दंडवत करके आएगा भैया, मान लीजिए। तो उग्र होने विश्वविद्यालय की मांग को लेकर जिस तरह से नए रूप अख्तियार किए जा रहे हैं, ऐसे में छात्र पंचायत सबसे आगे है। वो चाहे सड़क पर किताब लेकर पढ़ना हो, या बिना कपड़ों के अपनी मांग को पूरा करवाना हो, या भैंस को ज्ञापन देना हो। आज एक नया रूप जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर है। जी हाँ, ये लालटेन लेकर ये तमाम छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, और इसका मकसद सिर्फ यह है कि प्रशासन को दिखाना। उनका कहना यह है प्रशासन को दिख नहीं रहा है, इसी वजह से ये लालटेन लेकर आए हैं। तो छात्र पंचायत के जो छात्र हैं इनसे बात कर लेते हैं, लालटेन लाने का क्या मतलब है और क्या मकसद है? देखिए, विगत कई दिनों से हमारे ही द्वारा लगभग महीने भर से ऊपर हो गए ज्ञापन प्रदर्शन, जितने माध्यम हो सकते थे सबके द्वारा, एटलीस्ट हम लोग भैंस को भी ज्ञापन दे चुके। प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रहा, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग गर्मी में यहाँ पसीने पसीने से ये लड़के बैठे हुए हैं, खुद तो एसी में बैठे हुए हैं, उनको ज्ञापन पढ़ने का समय नहीं, इसलिए हम लोग लालटेन लेकर आए कि एटलीस्ट लालटेन जला दें, इससे आप ज्ञापन पढ़ लीजिए और उन्हें कम से कम दिखाई दे जाए कि गरीबों को, गोंडा के किसानों को, गोंडा के नौजवानों को, गोंडा के छात्रों को यूनिवर्सिटी कितनी आवश्यक है, और गोंडा के प्रत्येक युवा जब तक लड़ेंगे जब तक यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे जहाँ तक इसके लिए लड़ना पड़े। आपने किसी बात को लेकर अल्टीमेटम भी दिया है प्रशासन को? ये आज अल्टीमेटम, आज हमारा लास्ट ज्ञापन है कि आज भी है ना कह पाए हम ज्ञापन नहीं पढ़, लालटेन से ज्ञापन पढ़ लें। और मैं कह रहा हूँ आगामी 16 अक्टूबर को जिला प्रशासन नहीं पूरा प्रदेश ही लेगा, यहाँ के युवाओं का, यहाँ के छात्रों का बल देखेगा कि छात्र होते क्या हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अगर इतिहास उठा के देखें, छात्र जब जब उग्र हुए हैं तब तक उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है, तो प्रशासन हमें उस पे मजबूर ना करे। तो क्या माना जाए आपके जो आंदोलन है इसकी दशा और दिशा बदलने वाली है? जी, 16 अक्टूबर ये आप डेट लिख लीजिए, पूरा प्रदेश न हिलेगा तो मुझे बताइएगा। क्या कहना चाहेंगे? विश्वविद्यालय चाहिए। और भी लोग हैं भाई साहब, 7 लालटेन दिख रहा है, क्या मकसद है? जैसे सबसे पहले तो लालटेन हम सब LVS से लेकर निकले थे, मेन उद्देश्य था हम अपने जनप्रतिनिधियों को हेर रहे थे। हो सकता है ना दिख रहा हो या वो ना सामने आ पा रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से था तक किसी जनप्रतिनिधि का हमने बाइट सुना नहीं, जिसका भी सुना उसको विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी नहीं थी। तो सबसे पहले उनको ढूंढ रहे थे, फिर लगातार 18 अप्रैल से आज तक हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन पढ़ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा ये लालटेन जला रखी है। हमने लालटेन जलाई, मैंने कहा भैया इसके उजाले में पढ़ लीजिए, आप किसी के भी उजाले में पढ़िए, बट हमारा ज्ञापन एक बार देख लीजिए और माननीय बाबा जी तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि हम सब छात्र हैं, बहुत परेशान है। आगे क्या कुछ करने वाले हैं विश्वविद्यालय की मांग को लेकर? जैसे आज हम लोगों का आखिरी ज्ञापन है, और आखिरी ज्ञापन के बाद फिर हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि 16 तारीख को अगर आज कोई आश्वासन हमको नहीं मिलता है तो ये गोंडा के लगभग 110 कॉलेज कैंपसों तक आ सकता है। आज तक हमारा संपर्क हो चुका है, जिसमें हमारे 50,000 से ऊपर नाम नंबर आ चुके हैं, और लगभग 50,000 से ऊपर हमारे यहाँ समर्थन मिल चुका है। हम 50,000 लोगों को लगातार बुलाने के लिए 16 तारीख को बुलाने के लिए एक कार्यक्रम चलाएंगे, और उनको सबको लेकर आएंगे। एक अटल जी की पंक्ति है कि कभी थे अकेले आज इतने हुए, और नहीं तब डरे तो भला क्या डरेंगे।
विरोधों के सागर में चट्टान है, हम जो टकराएंगे वो मौत अपनी मरेंगे। हम सब छात्र हैं, आज शांत हैं और कल जब उग्र होंगे तो जिला प्रशासन ऐसे दंडवत करके आएगा भैया, मान लीजिए। तो उग्र होने के लिए मजबूर न करें, विवश न करें। प्रशासन से यही गुहार है कि हम सब सामान्य छात्रों की आवाज़ सुने। पिछले घंटे भर से आप लोग यहाँ बैठे हैं, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी अधिकारी आया आप लोगों से बात करने के लिए? बस यही कह रहे हैं कि दो लोग आई है, तो पूरी जनता वहाँ पे जन सुनवाई करने के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदया इतनी दूर दूर तक जा सकती हैं और इतनी यहाँ पे पूरी हम छात्र एकता, हमारी इतने छात्र आए हुए हैं, क्या मैम यहाँ पे नहीं आ सकती और क्या हमारा ज्ञापन नहीं पढ़ सकती? हम लालटेन इसीलिए लेके आए हैं ताकि इसके उजाले में हमारे ज्ञापन को पढ़ा जाए। हम छात्राओं को दूर दूर जाके पढ़ाई करने में कितनी दिक्कत होती है, मैंने अभी इसी है 12th पास किया है। यदि मेरे जिले में विश्वविद्यालय होता तो क्या मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर नहीं मिलता? मेरी हम सबकी यही मांग है कि हमारे जिले में विश्वविद्यालय किसी भी परिस्थिति में बनना ही चाहिए। अभी सिटी मजिस्ट्रेट आए थे बात करने, क्या कुछ बात हुई? वो मुझे 2 साल का बच्चा साबित कर रहे हैं, बताइए मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ, मुझे वो 2 साल का बच्चा बता रहे हैं तो मेरे ज्ञापन पे उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इसीलिए हम अपने ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदया को ही सुपुर्द करना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहते जी? हम लोग 1 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे। हम लोग आए तो पहले बोले सिटी मजिस्ट्रेट साहब कि 2 लोग चले आइए ज्ञापन देने के लिए। अब 2 लोग हम लोग अंदर चले जाए, ज्ञापन पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को भेजे या ना भेजे, पता नहीं यहाँ पे चने मूंगफली खा जाए उसमें। और हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, बाद में आश्वासन हमें दिया गया कि अभी आ रही है डीएम मैम, आपसे ज्ञापन लेगी, फिर अभी कोई आया बता रहे कि 2 लोग जाइए। अब अंदर बंदर कमरे में ज्ञापन ले या क्या करे क्या पता है? भरोसा नहीं आपको? नहीं भरोसा है, अबे इतने दिन से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मैं लालटेन लेके आया हूँ कि भाई हमारे ज्ञापन पढ़ेंगे तो मैं दिखा दूंगा मैम को कि मैम देखिए ऐसे तेज कर दूंगा कि देख लीजिए रोशनी में, देख लीजिए आप तो पढ़ लीजिए, हम लोग 30 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग आए कि विश्वविद्यालय गोंडा में बने। और एक चीज़ और, मैम इतना दूर दूर तक जा सकती है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर वहाँ पे जाके संपर्क कर सकता करती है, चौपाल लगाती है, 40 लोग इकट्ठा हो जाए 50 लोग इकट्ठा हो जाए। हम लोग तो 1 घंटे से यहाँ धूप में बैठे हैं, वो वहाँ पे अंदर एसी में बैठी हुई है, हम लोग यहाँ बैठे हैं धूप में, पसीना निकल रहा है, हम लोग को हमारे ऊपर रहम नहीं आ रहा है छात्र के ऊपर। करनेलगंज विधानसभा के विधायक जनप्रतिनिधि अजय कुमार सिंह जी जब धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे मुख्यमंत्री जी को, तब वो लोग कहाँ थे? उनको किस लिए विधानसभा भेजा गया है, किस लिए कि आप विधानसभा ना जाएं? उनको जानकारी क्यों नहीं हुई? नेताओं का फेलियर मानते हैं, नेताओं का फेलियर है, इसीलिए तो मैं लालटेन लेकर के नेताओं और प्रशासन को दोनों को ढूंढने का काम कर रहे हैं हम जनपद, ढूंढने का काम कर रहे। नेता की तरह प्रशासन भी हो गया है, 30 दिन से सभी तहसील मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जा रहा है, सभी तो एक भी तहसील ऐसी नहीं है जनपद की जहां पे ज्ञापन न दिया गया हो, लेकिन जब नेताओं की तरह प्रशासन भी हो गया है तो अब बताइए हम किससे गुहार लगाएं, हमारा कौन है सुनने वाला? तो सुनवाई नहीं हो रही है, महज इसकी वजह से ही ये तमाम तरह के जो नए नए तरीके हैं ये अपना रहे हैं। आज भी जिलाधिकारी कार्यालय लालटेन लेकर पहुंचे हैं और प्रशासन को ज्ञापन देना चाहते हैं कि प्रशासन इस लालटेन की रोशनी में ज्ञापन को पढ़े और जो इनकी मांग है उस मांग को की जो प्रक्रिया है पूरा करने की उसको फॉलो करें। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।